अगर आप खाने के शौकीन हैं तो अब आपके शहर दरभंगा में खुल गया वाव रेस्टोरेंट और वाटर पार्क कैंपस। इन्हें 57 बिजली सीता पेट्रोल पंप के नजदीक में खुल गया। जानकारी के लिए बता दें कि इसका उद्घाटन बिहार सरकार के मंत्री ललित यादव, पूर्व विधायक फराज फातमी ने किया। इसके बाद रेस्टोरेंट के प्रोप्राइटरी मोहम्मद चांद ने बताया कि 2024 में वाव वाटर पार्क की शुरुआत किया जाएगा, तो लोग एक ही कैंपस में रेस्टोरेंट के साथ साथ वाटर पार्क का भी आनंद ले सकेंगे, जिसके लिए उनको बाहर जाने की आवश्यकता नहीं है। हाशिम फिरोजवादी में वाव रेस्टोरेंट पर क्या कुछ कहा, सुनिए। हाय फ्रेंड्स, आदाब, अस्सलाम वालेकुम। मैं हाशिम फिरोजवादी इस वक्त मौजूद हूँ मिथिला की सरजमीन यानी के खूबसूरत बस्ती दरभंगा, अपने बहुत ही प्यारे भाई, अपने बहुत ही प्यारे दोस्त, अदब दोस्त मोहतरम जनाब अनवर कमाल साहब की इस बस्ती में। और यकीनन उनसे, वो जितने खूबसूरत शख्सियत हैं, वो जितने अच्छे इंसान हैं, उतनी खूबसूरत बस्ती, लेकिन उस बस्ती के साथ कहानी, इतनी खूबसूरत बस्ती के साथ साथ इतना खूबसूरत रेस्टोरेंट, आप देख सकते हैं इसको, वाव रियली, ये नाम भी वाव है। और जब आप यहाँ पर तशरीफ लाएंगे तो आप महसूस भी करेंगे ऑटोमेटिकली, यू कैन से ट्रेमरसली शॉक्ड, वाव, हाउ इज पॉसिबल इस हाईवे पर जंगल में इतने खूबसूरत से एक रेस्टोरेंट, जो हमारे भाई अनवर कमाल साहब, मैं आप सबको मुबारकबाद पेश करता हूँ। और सच ये है, खूबसूरत इमारत आपको मिल सकती है, खूबसूरत रेस्टोरेंट डेकोरेशन मिल सकती है, लेकिन हाँ, इंसान आउटिंग करने जाता है किसी मौके पर, जब घर से निकलता है, जब वो अनकंफर्टेबल फील करता है फैमिली को लेकर कहीं निकलते, कि फैमिली रेस्टोरेंट अगर मैं कहूँ दरभंगा में, तो ये वाव, बिलीव मी, खूबसूरत तो है ही, लेकिन जो लज्जत है, जो टेस्ट है, जो इनके खाने की जो खूबी है, हमें दुनिया भर में जाने का इत्तेफाक होता है, लेकिन लज्जत बहुत कम जगह मिलती है। जी हाँ, लजीज डिशेज, मुबारकबाद पेश करता हूँ भाई अनवर कमाल साहब को, उनके वाव जो रेस्टोरेंट है, उनके पूरे स्टाफ का बहुत शुक्रिया, आदाब। बेस्ट लोकेशन है और ये वाव वाटर पार्क आ रहा है, उसी के लिए ये रेस्टोरेंट चालू किया गया है। वाव वाटर पार्क में ना जो फूड कोर्ट रहेगा, किसी वाटर पार्क में आने का खाना भी चाहिए, उसी के लिए रेस्टोरेंट चालू किया गया। ये 24/7 रेस्टोरेंट बनेगा, जो अभी हाईवे पर लोग आ रहे हैं, रात में क्या होता है मोस्टली ढाबा बंद हो जाते हैं, तो यहाँ पे कभी भी रात के 2-3 बजे भी आएंगे, 24/7 बोर्ड रहेगा और कभी भी यह सर्विस ले सकते हैं। अल्लाह विकास की ओर अग्रसर है, उसी करीबे और जो आपका रेस्टोरेंट का जो आज और वाटर पार्क का भी आगे विस्तार हो रहा है, ये बहुत खुशी की बात है कि दरभंगा विकास कर रहा है और विकास के करीबे इस तरह के रेस्टोरेंट खुल रहे हैं और बड़ा अच्छा भव्य रूप से लोगों को, शहर से बाहर लोग चाहते हैं जाके कि अच्छा रेस्टोरेंट में खाना खाए परिवार के साथ, तो ये पारिवारिक माहौल के लिए और बच्चे लोगों के लिए वाटर पार्क वगैरह भी आगे विस्तार हो रहा है, ये बहुत खुशी की बात है। हम लोग को दरभंगा का जितना तरक्की हो और हमारे गुप्ता जी हैं और इस तरह का ये लाए, तो ये भी धन्यवाद के पात्र है। सबसे पहले मैं अनवर भाई, जो इसके समझिए कर्ता धरता हैं इस रेस्टोरेंट के, वाव रेस्टोरेंट का नाम रखा है इन्होंने, तो वाव तो मतलब जानते हैं अंग्रेजी का हिंदी वर्जन यही होता है कि बहुत बहुत शानदार। अगर इसका इंटीरियर ही देखेंगे अगर आप रेस्टोरेंट का, तो वाव ही कहिएगा, क्योंकि ऐसा मुझे नहीं लगता है कि हाईवे पे इतना बेहतरीन इंटीरियर किसी का होगा। और क्वालिटी वाइज अगर देखिएगा, तभी मैंने पनीर टेस्ट किया है, पनीर एक फ्राई पकौड़ा बहुत ज़बरदस्त शानदार इनका लगा, तो मैं इनको अपनी तरफ से ढेर सारी मुबारकबाद देना चाहता हूँ। और उम्मीद यही करता हूँ कि क्योंकि आज लोग चाहते हैं, दरभंगा की जनता चाहती है कि अच्छा अच्छी जगह जाएं अपनी फैमिली को लेकर के, अच्छा खाना अच्छे प्राइस पे, क्वालिटी स्टैंडर्ड सब मेंटेन्ड हो। देखिए, वाव रेस्टोरेंट ये अपना आज ओपन हुआ है, ठीक है, ये एक वाव रेस्टोरेंट जो है एक कैंपस है, इस कैंपस के अंदर सारा चीज़ है, ठीक है, वाटर पार्क से लेकर के हर एक चीज़ है, लेकिन अभी रेस्टोरेंट का हम लोग ओपनिंग किए हैं, ठीक है। रेस्टोरेंट में पूरा आपके पास चाइनीज़ थाई जो भी चीज़ें सारी चीज़ें अवेलेबल है, बिरयानी है ना। और आप क्वालिटी की बात करें तो मतलब मार्केट में हाईवे पर जितना भी आपको रेस्टोरेंट वगैरह है, उससे अच्छा हम लोगों ने टेस्ट देने की कोशिश किया है, ठीक है। यहाँ जो कारीगर हैं, लोकल कारीगर हैं या कहीं से? नहीं नहीं, ये जितने भी हमारे कारीगर हैं वो मतलब देश विदेश के अंदर कई मतलब 5-3 स्टार सारे होटल में जो उन लोगों ने काम कर चुके हैं, ठीक है, उसके बाद उन लोगों को सारा चीज़ देखने के बाद यहाँ पे हम लोग लाए हैं,
और 3-4 दिन टेस्टिंग भी चला यहाँ पे, सब करने के बाद सारे लोगों ने मिल करके पास किया है कि नहीं ठीक है। सर, ये दरभंगा शहर है और दरभंगा जिला है, इन्हें 57 पे आपने खोला है। जी जी। यहाँ के लोग बहुत सोच समझ के अपने पैसों को खर्च करते हैं, कभी कभी मन करता है कि अच्छे रेस्टोरेंट में खाएं, रेट पे, प्राइस पे, हाइजीन और क्वालिटी में कैसे मेंटेन कर रहे हैं? बिल्कुल, देखिए मैंने हाइजीन हो या रेट का मामला, सब चीज़ को मैंने मेंटेन किया है। जो मार्केट में रेट चल रहा है उससे कुछ ना कुछ यहाँ पे कम प्राइस पे ही मिलेगा, और हाइजीन पूरा मेंटेन करने की कोशिश किया गया है। और इंटीरियर आप देख लें, साफ सफाई देख लें, हर एक चीज़ आपको जो है ग्रेट लेवल का है। खाने के शौकीन लोगों के लिए क्या संदेश है? खाने के शौकीन लोगों के लिए मेरा संदेश यही है कि एक बार आएँ यहाँ पे वाव रेस्टोरेंट में, आ कर के एक बार टेस्ट करें, ठीक है। और मार्केट से कितने दूरी पर? फिर से सवाल, दरभंगा मार्केट से कितने दूरी पर? दरभंगा से आप समझ लीजिए तो 8 से 9 किलोमीटर है ये, ठीक है। हाँ, दिल्ली मोड़ से 7 किलोमीटर है, दरभंगा शहर से 9 से 10 किलोमीटर होगा। कौन सी जगह ये है? आपको बिजुली हो गया, आपको सीता पेट्रोल पंप से 300 मीटर आगे हो गया। मैं सैयद मुजम्मिल। हजवा उमरा टूरिस्ट गुज़िश्ता 13 वर्षों से आज़मीन हजवा उमरा खिदमत में सरगर्म, अभी समिति सिवधारा दरभंगा 8460004, हाजी अबुल कलाम मोबाइल नंबर 9835686530, 9939797586। सिटी सेंटर द कंप्लीट मल्टी ब्रांड मेंस वेयर शोरूम सुभाष चौक दरभंगा, ली एक्सक्लूसिव शोरूम सुभाष चौक।